वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका पिच रिपोर्ट में। केला कोटला यानी कि अरुण लीग क्रिकेट स्टेडियम में आज मुकाबला खेला जा रहा है एसआरएच बनाम चेन्नई सुपर किंग्स। यार देखो ये न्यूट्रल वेन्यूज है ना, देखो दिल्ली में मैच है, दिल्ली खेलेगा, इसी वजह से ना जो न्यूट्रल वेन्यूज है थोड़ा इधर थोड़ा टफ हो जाता है यार, कभी कभी हो जाता है उसको ही नहीं। तो चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद का मैच है, तो पिच कैसा है आज के लिए? तो ये पिच बहुत ही फ्लैट नहीं है, ग्रासी विकेट है, थोड़ी हरी घास है। पहले दो तीन मैच बहुत अच्छा खेलेगा, तो आपको लोग यूट्यूब पे जरूर बोलेंगे या फिर बहुत लोग आप सब सुन लोगे स्लो विकेट है भाई, और मत बिलीव करना क्योंकि पहले दो मैचेस देखे स्पिनर्स मार खाएंगे, कुटेंगे यहाँ पे, और क्योंकि देखो ग्राउंड भी छोटा है और आप सीधा इजीली मार पाओगे इधर, और सीनियर बन रहा है कि स्विंग है विकेट पे नई गेंद के साथ, तो प्लीज फास्ट बॉलर ज्यादा ले ना अपनी फैंटेसी टीम में अगर आप बनाओगे तभी तो। देखो तो फास्ट बॉलर का यहाँ पे रोल बड़ा क्रूशियल रहेगा, स्विंग होगी और दीपक चहार आज मुझे एक रन काट देते हैं चेन्नई की ओर से। विजय शंकर मुझे हैदराबाद से लग रहा है, विजय शंकर का नाम क्यों ले लिया मैंने आप लोग को सरप्राइज जरूर होगा, बट ये विजय शंकर का एवरेज बहुत अच्छा है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, अच्छा खेलते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं अपनी होम टाउन की टीम के खिलाफ, इतना अच्छा परफॉर्मेंस देता है, देखते हैं क्या होता है। हालांकि बढ़िया मैच होने वाला है देखिए यहाँ पे, और इस ग्राउंड का भी विजय शंकर का अच्छा रिकॉर्ड है, तो देखते हैं क्या होता है। दो चार जो अवसर तक है इनके इसी ग्राउंड पे आए हैं, अब यही देखते हैं कितना बड़ा रोल यहाँ पे विजय शंकर प्ले कर सकते हैं टीम के लिए। और अगर हम आगे की बात कर लेते हैं, क्योंकि विजय शंकर जिस तरह से बॉल करते हैं, आउट स्विंगिंग डिलीवरी स्विंगिंग डिलीवरी जो उनके लिए अच्छी पिच हो सकती है, तो ये देखिए स्विंग इज द किंग है और यहाँ पे स्विंग विकेट्स निकालेगी। तो देखिए ये दो रीजन से मुझे लगता है 170 अच्छा टोटल है यहाँ पे। टॉस जीते फिर से फील्डिंग की क्योंकि करिए क्योंकि ड्यू रहेगा सेकंड इनिंग्स में, फिर भी स्विंग तो होगा नई गेंद से, लेकिन ये ड्यू तो रहेगा सेकंड इनिंग में, और यही एक रीज़न है प्राइमरली जिसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप टॉस जीते और पहले फील्डिंग का निर्णय लो। ड्यू देखिए ड्यू बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। चलिए तो चलते हैं और फिर ख़त्म करते हैं आज के इस पिच रिपोर्ट को, शो की तरफ चलते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर ले लो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, झटा फटाफट और आपकी जो मेहनत कर रहे हैं, धन्यवाद।